और अब एक बड़ी खबर ये कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई। सुनवाई में जिला जज की अदालत में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका के एडमिट होने के साथ बहस शुरू होने पर फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ये तय करेगा कि ये केस सिविल कोर्ट में चलेगा या वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में। हालांकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने पहले ही जिला जज की अदालत में सिविल कोर्ट को चुनौती देने वाली इस याचिका को दाखिल कर रखा है। तो इस मामले में आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है जिसमें विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज सुनवाई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका पर जिला अदालत आज सुनवाई करेगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मामले को सिविल कोर्ट में चलाए जाने को चुनौती दी है। बोर्ड की मांग है कि मामला लखनऊ वक्फ ट्रिब्यूनल में चले। कोर्ट ने याचिका में देरी पर सुन्नी वक्फ बोर्ड पर 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया क्योंकि बोर्ड ने वक्त पर याचिका दाखिल नहीं की। वहीं श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका मथुरा की जिला अदालत ने स्वीकार कर ली है। मामले पर 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। ईदगाह को हटाने और 13.37 एकड़ भूमि श्री कृष्ण विराजमान को देने वाली याचिका मथुरा सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। कोर्ट ने हर मुद्दे पर सुना है, समझा है और कायद अपने पास रख लिया है और कायद को हम और 16 तारीख को अगली डेट लगाई है, लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड समन किया है और अगली कार्रवाई 16 को। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला को भारत से ज्यादा चीन की सरकार पर भरोसा है। अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। फारूक ने एक न्यूज मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा, चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की बहाली संभव है, अल्लाह करे चीन के जोर से 370 और 35A बहाल हो। बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को देश विरोधी बताया है। आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किंतु ये कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, ये अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो ये देश विरोधी स्टेटमेंट है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि देश विरोध के स्तर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक ही सोच है। आप अगर इतिहास में जाएंगे और राहुल गांधी जी के भी स्टेटमेंट्स को हाल फिलहाल में सुनेंगे तो आप पाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुशांत केस में मीडिया कवरेज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एक मिनट में ये पूरी खबर देखिए। सुशांत केस में मीडिया कवरेज को लेकर रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ न्यूज चैनल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में गैर जिम्मेदाराना अपमानजनक और छवि खराब करने वाली रिपोर्टिंग का आरोप लगाया गया है। ये याचिकाएं 34 फिल्म निर्माताओं और फिल्म इंडस्ट्री की 4 एसोसिएशन ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं में करण जौहर, यशराज, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी शामिल है। याचिका में कहा गया है कि चैनलों और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को बॉलीवुड और उसके सदस्यों के खिलाफ गैर जिम्मेदार और अपमानजनक टिप्पणी करने या प्रकाशित करने से बचना चाहिए। याचिका में ये भी कहा गया है कि चैनलों को फिल्म हस्तियों का मीडिया ट्रायल चलाने और इंडस्ट्री के लोगों की गोपनीयता के अधिकार में हस्तक्षेप करने से रोका जाए। चैनलों के खिलाफ याचिका दायर करने पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने सवाल उठाए हैं। कंगना ने ट्वीट कर कहा है कि वो कई साल से बॉलीवुड में शोषण और बदमाशी की शिकायत कर रही हैं। इन्हीं वजहों से एक कलाकार की मौत हो गई। कंगना ने सवाल पूछा है कि अगर इसी बहाने बॉलीवुड का गटर साफ हो रहा है तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। और हाथरस केस में आज सीबीआई की टीम क्या नया करने जा रही है, 60 सेकंड में खबर देखिए। सीबीआई की टीम आज यूपी के हाथरस जा सकती है। युवती की हत्या की जांच के लिए सीबीआई ने एक टीम का गठन किया है और 2 दिन पहले ही इस टीम ने अपना काम शुरू किया है। वहीं सोमवार को हाथरस मामले में पीड़ित परिवार ने केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पीड़ित परिवार के 5 लोगों ने बयान दर्ज कराए। परिवार ने फैसला आने तक सुरक्षा देने और एसआईटी की जांच रिपोर्ट को गोपनीय रखने की मांग की है। कोर्ट ने तो फटकार भी लगाई है, पहली बात तो कि रात में बॉडी जलाने का कोई प्रोविजन नहीं है, कोर्ट ने यही बोला। और दूसरा, कोर्ट का कहना था कि उस परिवार से आप बेसिक उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कैसे छीन सकते हैं। हाई कोर्ट ने पीड़ित का शव रात में जला जाने पर यूपी के गृह मंत्रालय, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और हाथरस डीएम से सवाल किए, पूछा कि शव के अंतिम संस्कार से पहले परिवार की इजाजत ली गई थी या नहीं। अब सुनवाई 2 नवंबर को होगी। अभी कोई दलील, अभी उसमें कोई किसी का यस या नो या कोई ऑब्जर्वेशन अभी कुछ नहीं आया।
में सिर्फ चीजें दाखिल हुई हैं और अभी आगे जो आदेश आएगा उसके तहत हम आगे बता पाएंगे। राजस्थान के करौली में पुजारी को जलाए जाने के बाद उनके परिवार ने पुलिस के खिलाफ बयान दिया है। करौली के बुकाना गांव में मंदिर की जमीन के लिए जिंदा जलाए गए पुजारी बाबूलाल के बेटे ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुजारी के बेटे ने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए कहा है कि पुलिस विधायक के प्रभाव में है और पुलिस और स्थानीय प्रशासन उन्हें कोई सहयोग नहीं कर रहा है। साथ ही आरोपी क्षेत्र के दबंग और प्रभावशाली लोग हैं। याचिका में राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक के साथ पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को पक्षकार बनाया गया है। वहीं इस केस में पीड़ित परिवार के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा कैंपेन चला रहे हैं। कल उन्होंने ट्वीट किया, पुजारी की पत्नी के खाते में 25 लाख रुपए ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू। 15 लाख रुपए पुजारी की पत्नी के नाम FD, जिसका हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा, और 10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में। परिवार के लिए मदद आना अभी जारी है। सभी का शुक्रिया, साथ मिलकर सब कुछ संभव है। और अब बिहार चुनाव पर अपडेट। लालू यादव के बेटे आज विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव आज हसनपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तेज प्रताप यादव अभी महुआ से विधायक हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले अपनी सीट बदल ली। वहीं तेजस्वी यादव 14 अक्टूबर को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल वर्चुअल रैली की। उन्होंने तेजस्वी यादव के 10 लाख लोगों को नौकरी दिए जाने के वादे पर सवाल उठाए। किसी तरह से न हम क्राइम बर्दाश्त कर सकते हैं, न करप्शन बर्दाश्त कर सकते हैं, न कम्युनलिज्म। तो जो जिनको करना था वोट ले लेते हैं, लेकिन किया क्या? जो शिकार हुए हम ये पूछना चाहते हैं? लोग बोलते रहते हैं, हम लोगों को तो हंसी आती है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार LJP JDU के खिलाफ लड़ रही है, हालांकि वो BJP के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि LTC वाउचर स्कीम में सरकारी कर्मचारी छुट्टियों के बदले वाउचर ले सकते हैं। इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिन पर GST लगता है। इससे GDP में भी वृद्धि हो, उस पे भी इसका असर होगा। निर्मला ने कहा कि LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी छुट्टियों के लिए नकद राशि का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मांग को प्रोत्साहन के लिए खर्च के लिए पैसे एडवांस में मिलेंगे और विशेष त्योहार अग्रिम योजना शुरू की जाएगी। LTC कैश वाउचर स्कीम एक ये लेकर आए हैं और दूसरा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम ये आपके बीच में लेकर आए हैं। माना जा रहा है कि सरकार की कर्मचारियों के लिए इस स्कीम का फायदा बाजार को मिलेगा। इस स्कीम का फायदा केंद्र के कर्मचारियों के साथ साथ राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में CM केजरीवाल क्या आज करने वाले हैं खास, ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रदूषण के खिलाफ बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। केजरीवाल आज गालिबपुर गांव में ऐसे पदार्थ को पेश करेंगे जिसके छिड़काव से पराली को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूसा के वैज्ञानिकों ने बायो डीकम्पोजर कैप्सूल विकसित किया है जिसका इस्तेमाल एक तरल पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को जब खेतों में छिड़का जाता है तो ये फसल की थूम को गला देता है और इसे खाद में तब्दील कर देता है। दिल्ली सरकार इस पदार्थ का इस्तेमाल उस जमीन पर करेगी जहां गैर बासमती चावल की खेती होती है। वहीं दिल्ली में फिर से प्रदूषण का मौसम आ गया है। पंजाब हरियाणा में पराली जलाए जाने के कारण दिल्ली की हवा खराब हो गई है। प्रदूषण स्तर 250 के पार जा चुका है। पराली जलाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई और उसके बाद से सोमवार को दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार साफ है कि जो दिल्ली में प्रदूषण, कुल प्रदूषण होता है वो 40% पराली के जलने की वजह से होता है, लेकिन अभी दिल्ली सरकार लगातार उन चीजों पे भी काम कर रही है जो बाकी 60% का कारण बनते हैं। और अब देश में कोरोना पर क्या है अपडेट, सिर्फ 60 सेकंड में समझिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 71 लाख के पार पहुंच गई है और पूरी दुनिया में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भारत सबसे आगे है।
पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 66,732 नए केस आए, 816 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटों में 71,559 लोग इलाज से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 71,20,539 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 61,49,536 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 8,61,553 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,09,150 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर 86.36% पहुंच गई है। वहीं दुनिया की बात करें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,74,00,000 से ज्यादा है, जिनमें 2,60,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। और मुंबई में कल कई घंटों तक बिजली गुल रही, इस दौरान क्या क्या हुआ, एक मिनट में खबर। वेस्टर्न ग्रिड फेल होने की वजह से कल मुंबई और आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई। कई घंटे पावर सप्लाई ठप होने की वजह से काफी परेशानी बढ़ गई। मुंबई लोकल सेवा से दफ्तर जा रहे लोगों को रास्ते में ही उतरना पड़ा। अस्पतालों में ऑपरेशन का काम रुका, पेट्रोल पंप और पानी की सप्लाई भी बंद हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। दो लाइन हमारी वहां पर है, तो एक लाइन से दूसरी लाइन पे हमने उसको शिफ्टिंग किया था, उस पर अचानक तांत्रिक उसमें तकलीफ आ गई, जिसकी वजह से मुंबई और ठाणे परिसर प्रभावित हुआ है। कई घंटे बाद धीरे धीरे बिजली संकट खत्म हुआ और सेवाएं बहाल की गईं। इस बीच बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार भी फेल हो गई है। ये कहां फेलियर हुआ, उस बारे में राज्य सरकार ने स्पष्टता करनी चाहिए। सरकार बागाड़ी सरकार ने लोगों की बत्ती गुल करने का काम किया है। इधर दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर आज से खुल जाएगा, क्या क्या नियमों का पालन करना होगा ये देखिए। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र अक्षरधाम मंदिर कोरोना के कारण मार्च से बंद था और अब इसे नई गाइडलाइन के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। मंदिर केवल शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच ही खुलेगा और सीमित संख्या में लोगों को ही मंदिर में एंट्री दी जाएगी। इस दौरान मंदिर का एग्जीबिशन हॉल बंद रहेगा, लेकिन भक्तों के लिए म्यूजिकल फाउंटेन खोला जाएगा। मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। इसके अलावा मंदिर में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। अक्षरधाम मंदिर में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। और अब खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां पर एक टेम्पो चालक की पिटाई कर दी गई है। दो युवकों ने बेरहमी से टेम्पो चालक को पीटा, बताया जा रहा है कि किसी ने भी ड्राइवर को बचाने की कोशिश नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब इस घटना का पूरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे। वायरल वीडियो की शुरुआती तस्वीरों में ऐसा लगता है जैसे WWF की फाइट हो रही हो, लेकिन हकीकत में ये वीडियो जबलपुर में सरेआम गुंडागर्दी का है। दंदहाड़े लोगों की भीड़ के बीच बदमाश पहले तो इस युवक को पीटते हैं, फिर जानवर की तरह बाइक पर लाद कर ले जाते हैं। इस गुंडागर्दी वाले वीडियो में दो बदमाश दुबले पतले ऑटो ड्राइवर को पटक पटक कर पीट रहे थे, लेकिन वहां पर भीड़ में से कोई भी उसे बचाने नहीं आया। वायरल वीडियो इतना विभत्स है कि इसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यही वायरल गुंडागर्दी जब पुलिस अधिकारियों तक पहुंची तब पुलिस हरकत में आई। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के संस्कारधानी जबलपुर की हैं। दो बदमाशों ने